अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सोमवार को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बसों में महिलाओं व बालिकाओं को राज्य सरकार ने निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया। इसको लेकर रोडवेज द्वारा अतिरिक्त बसों का भी संचालन किया गया। सोमवार को पूरा दिन रोडवेज की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा का विशेष टिकट दिया गया। वहीं निःशुल्क यात्रा के बाद महिलाएं भी खुश नजर आई। सोमवार के रोज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं के हित में बड़ा फैसला लिया था। राज्य सरकार ने सोमवार को महिलाओं को प्रदेश भर में रोडवेज बस की मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद रोडवेज बसों में महिलाओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी नजर आई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा महिलाओं को मुफ्त रोडवेज बस में मुफ्त यात्रा तोहफा दिया गया। प्रदेश भर में रविवार से सोमवार रात 12 बजे तक महिलाएं रोडवेज बस में मुफ्त सफर कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को यह सौगात दी जाती है। राज्य भर की तरह बाड़मेर में भी इस बार भी इसे बरकरार रखा गया। कितनी खुशी हो रही है महिला दिवस पे? अच्छा हुआ महिला दिवस है, इसीलिए महिलाओं का किराया नहीं लगा। अच्छा हुआ हम आराम से आए। कितनी खुशी हो रही है? बढ़िया खुशी। महिलाएं प्रदेश की सीमा में रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा का लाभ उठाती नजर आई। निःशुल्क यात्रा को देखते हुए सरहदी बाड़मेर समेत प्रदेश के विभिन्न शहरों के रोडवेज बसों में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी नजर आई। बाड़मेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर महिलाओं यात्रियों की संख्या ज्यादा होने पर अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की गई, जिससे किसी प्रकार की यात्रा के दौरान महिलाओं को कोई परेशानी न हो। बस स्टैंड पहुंचने वाली महिलाओं को पुष्प देकर भी रोडवेज प्रशासन की ओर से स्वागत किया गया। साथ ही कोरोना को देखते हुए सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाई गई। रात 12 बजे से ही प्रदेश के सभी रोडवेज बस स्टैंड और डिपो पर निःशुल्क यात्रा के लिए महिलाओं का पहुंचना का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। इस निःशुल्क यात्रा का फायदा उठाते हुए बाड़मेर की कई महिलाओं ने अपने इष्ट देव की अलग अलग जगह की धार्मिक यात्राओं के लिए भी सीट बुक की।